जनपद हापुड़ देहात की थाना पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी फकरुद्दीन थाना परीक्षित गढ़ जनपद मेरठ का हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और हापुड़ में हत्या के प्रयास और चोरी आदि के करीब 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसपी दीपक भुंकर ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हथियार बनाकर ऑन डिमांड सप्लाई करता था, जो अवैध तमंचे को 2,500 से 3,000 रुपए में बेचता था। उन्होंने बताया कि आरोपी के कब्जे से 8 अवैध तमंचे, 2 कारतूस, 6 अधबने तमंचे और अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। देखिए, ये थाना हापुड़ देहात पुलिस टीम के द्वारा एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एक अभियुक्त का नाम फकरुद्दीन और फकरू है, जो कि जनपद मेरठ का रहने वाला है, और दूसरा इसमें केशव त्यागी है, जो कि हापुड़ देहात थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। इनके द्वारा ये अवैध शस्त्र फैक्ट्री यहाँ पर चलाई जा रही थी, और इनके जो पोजेशन से मिले हैं उसमें टोटल 8 अवैध तमंचे जो बने हुए थे, 6 अध बने तमंचे और अन्य जो अवैध तमंचा बनाने के जो उपकरण हैं वो इनसे बरामद हुए हैं। और इसके जो अन्य साथी हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और उनकी भी हम शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। जो ये फकरुद्दीन है, इसके ऊपर पहले भी लगभग 1 दर्जन मुकदमे पहले से दर्ज हैं और ये मेरठ का हिस्ट्री शीटर भी है। सर, घरों में कितने दिनों से ये कार्य चल रहा था? देखिए, जो अभी हमें सूचना मिली थी, पिछले 7-8 दिन से इन्होंने ये पूरा फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश की थी और यहाँ पे बनाना स्टार्ट किया था, और पुलिस को जो इनपुट मिली थी उसके बेसिस पे ये कार्रवाई की गई।